नाम बता दीजिए अपना। तो ये खुद हम अपने हाथ से बनाते हैं। हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो गुड इवनिंग। तो आज हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर मेला, जो कि इंटरनेशनल फेयर है, इंटरनेशनल मेला है। तो कल वाली जो वीडियो एडिटिंग करते करते मैं रात को सो गया था, इसलिए सुबह में डाल नहीं पाया वीडियो, तो मैंने वो वीडियो डाल दी है, आप जाकर वो वीडियो देखें। और वीडियो है ट्रैवलिंग विदाउट मनी, तो खड़गपुर से किस तरह से मैं कोलकाता आया विदाउट मनी, वो पूरा वीडियो एंजॉय करें। साथ में खड़गपुर का जो गुरुद्वारा है उसके भी आप दर्शन कीजिए। तो हम आ गए हैं गाइस साइंस सिटी के अंदर, और पीछे है पूरा साइंस सिटी, और उस तरफ है जो फेयर लगा है, इंटरनेशनल फेयर की तरफ चलते हैं हम और करते हैं खूब सारी मस्ती, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। ये मेरा बहुत ही फेवरेट फेयर है, मेला है इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जो लोग हैं ना वो अलग अलग कंट्री से भी आते हैं। तो मैं सब कंट्री के कराऊंगा आपको टूर, और हो सकेगा तो हम किसी न किसी से बात भी करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड ये जो मेला है ना, ये इंडिया में ही लगता है और कोलकाता में ही लगता है हर साल। तो दिस इज़ द 20th इंडियन इंटरनेशनल फेयर, जिसे मेगा ट्रेड फेयर के नाम से भी जानते हैं हम। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। इस बार इस मेले में 15 कंट्री से और 20 स्टेट से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तरफ है इसके टिकट काउंटर। और तो फ्रेंड यहाँ पे हो गया थोड़ा चक्कर खराब, मैं लेकर नहीं आया था कैश, मैं लेकर आया था कार्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं, कार्ड से नहीं हो पाएगा सर, आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो टिकट के दाम है 60 रुपये, अगर आप आते हो यहाँ पे एक्सप्लोर करने घूमने के लिए तो कैश लाना अनिवार्य है, प्लीज़ कैरी द कैश, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मुझे दिक्कत हो रही, तो मुझे फिर वापस वहाँ से आना पड़ा, और बोल रहे कि साइंस सिटी के अंदर में है तो इसके अंदर भी जाने के लिए मुझे टिकट चाहिए, तो पैसे नहीं है मेरे पास। तो देखते हैं क्या बात करके क्या हो पाता है। यहाँ पे हर जगह एटीएम होता है बाहर में, और ये पहली जगह देखी है जहाँ पे एटीएम है अंदर, मैंने अंदर आपको पैसा उठाने के लिए भी पैसा दे के जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि यहाँ पे जो साइंस सिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, मुझे पता नहीं। तरह था कैनेडा बैंक का एटीएम जहाँ से मैंने निकाले कैश। तो अभी चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स ये ले ली है मैंने यहाँ पे टिकट। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग कंट्री से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो राइट में है मेरे बांग्लादेश और लेफ्ट में है दुबई। तो वी विल स्टार्ट विद दुबई। तो कुछ अंदर दिखता है इस तरह से दुबई का काउंटर। सलाद बनाते हैं खीरा का, गाजर का, गोल गोल सलाद। $5.90 का बर्गर के लिए, सलाद के लिए, सलाद के लिए, आपका हाथ आपके साथ में रहेगा लास्ट बस्केट। आलू का, कच्चे केले का चिप्स बनाना है मैडम, प्लेन चिप्स आ जाएगा, डाउन ब्लेड पे चलाएंगे इसका डिजाइन। ये था काउंटर दुबई और इराक का, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे, क्योंकि ना हर साल मैं आता हूँ घूमने के लिए, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। तो इसी के साथ चलते हैं हम दूसरी स्टॉल के अंदर। सो गाइस ठीक मेरे पीछे है स्टॉल थाईलैंड और अफ्रीका का, तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ नया देखने के लिए मिलता है कि नहीं इस बार। तो यहाँ पे मिल गए हैं मुझे देखने के लिए कारपेट्स। This one?
How much? 200. क्या रेट है इसका? 1500. वाह, तो ये है फ्रेंड यहाँ 1500 का, काफी अच्छा लग रहा है. फेयर में है काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही, क्योंकि आपको यहाँ पे कपड़े के अलावा, शूज़ के अलावा बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ है. तो कम टू दिस प्लेस, शॉपिंग करें आके, मज़े करें यहाँ पे, हैव फन. तो हम आ गए हैं कैसे काउंटर में, जहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगी फर्नीचर. तो काफ़ी अच्छे फर्नीचर है यहाँ पे, तो पूरा घूमेंगे और मज़े करेंगे यहाँ पे हम. आएगा मोहल्ला के के पैक. तो फर्नीचर में जो वन ऑफ माई फेवरेट है वो ये सोफ़ा कम बेड, क्योंकि आप इस पर बैठ भी सकते हो, सो भी सकते हो, इसको आप बेड भी बना सकते हो. तो इसकी दाम है 7500 ओनली. तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है ये, किसी भी मतलब स्पेस पे आ जाता है, कहीं पे भी आप रख सकते हो इसे. तो अभी हम जिस काउंटर में हैं वो है सारा इंटीरियर डेकोरेशन का, हैंडलूम वगैरह है डेकोरेशन के, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर. नाम बता दीजिए अपना. तो ये काउंटर है, काउंटर कौन सा? काउंटर काउंटर असवाल हैंडीक्राफ्ट इंटीरियर पवेलियन. तो यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे सेल चल रही है, सेल 500 के टू 450 में ऊपर, 450 से. और ऊपर वाले जो ये वाले लैंप्स है 450 के सिंगल, जो सिंगल है वो 450 के है यहाँ पे. तो ये मैडम हमें बताएंगे कि इनके प्राइजेस क्या है. प्राइस बता दीजिए इसका. 4000. तो ये है 4000, तो ये है 4000 के और ये 3000 के. जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सारे वॉशेबल भी है, तो काफ़ी अच्छा, जो इनकी जो प्रिंटिंग है ना ऊपर में, तो काफ़ी शानदार है. तो सबसे बड़ी जो बात उन्होंने बताई कि आप इसे वॉश कर सकते हो, कस्टमाइज भी है इनका, पूरी डिटेल्स ऊपर में है यहाँ पर. तो थैंक यू सो मच. तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है यहाँ पे, सारे मोती यूज़ करे हैं छोटे छोटे इन्होंने. इस पर ना आप अपना नाम भी लिख सकते हो. ओह, दिस इज नाइस. बहुत ही अलग चीज़ देखने के लिए मिली मेरे को. तो यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के और कलरफुल हलवे हैं यहाँ पे, तो इसे कराची हलवे के नाम से भी जाना जाता है. हलवे है ना आपको, तो सब एक डब्बे में मिल जा रहे हैं, जो करीबन हाफ के जी है, और 450 रुपये इनकी प्राइस बनी है यहाँ पे. 500 है यहाँ पे, सॉरी 250 का है ये. 250 वाले हैं. ओके, तो इसकी जो प्राइस है अंकल ने बताया, ये 250 के है. ये कितने हो गए, हाफ के जी? हाफ के. तो ये हाफ के जी का बॉक्स है यहाँ पर. नाम बता दो अपना. तो मोनू जी यहाँ पे बड़े ही डिफरेंट वे में अपनी जो सामान को बेचने में लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा. आवाज़ मारो.
ये इधर कट देख लो 500 की दो। क्या है 500 की दो वो तो बता दो। तो यहाँ पे नाम आपका? तो पप्पू जी यहाँ पे बेच रहे हैं शर्ट। तो शर्ट की क्या प्राइस है यहाँ पे? 500 की दो। तो 500 की दो शर्ट है यहाँ पे। 500 की दो। आ जाओ। मैं ये पूछ रहा हूँ आपका चैनल कौन सा है? तो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं मेरा चैनल कौन सा है। तो मेरा चैनल है पाजीज ब्लॉग। तो नाम मोनू। तो मोनू जी भी यहाँ पे मिल गए हैं सब्सक्राइबर। थैंक यू मोनू, आप वहाँ से काउंटर छोड़कर यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। इसे भैया बड़ी ही प्यार से यहाँ पे बना रहे हैं और खिला भी रहे हैं। तो ये है घर के ग्रिलर जिसमें बन रहा है तंदूरी आलू नान रोटी पापड़। और क्या बात है, नाम बता दीजिए अपना। कृष्णा नाम है सर। कहाँ से हो आप? मैं आगरा से हूँ, कंपनी बॉम्बे होती है। क्या बात है, तो एक बार दिखा दीजिए इसके नीचे क्या है। ये देखो ब्रेड पिज्जा भी बनेगा। तो ये कोई बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह बनाने, स्नैक्स भी बना सकते हैं। सिर्फ पानी डाल, 1 ग्लास वाटर, पानी की जगह जूस लिमका डाल दो, उसी का अरोमा फ्लेवर दे सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे बच्चों से बातें, सक्षम को कैसा लग रहा है जो इसने अभी जो ये खा रहा है ना उसके बारे में फीडबैक लेंगे हम यहाँ पे। तो सक्षम आप भाग रहे हो, मुझे फीडबैक दो, आप जो खा रहे हो तो टेस्ट कैसा है? टेस्ट वाइज कैसा है? तो टेस्ट वाइज ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि तंदूर में बना हुआ ग्रिलर में बना हुआ बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इसका जो फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो इस ग्रिलर की एक चीज़ ये खासियत है कि ये चलता है पानी के ऊपर, तो बिजली का कनेक्शन है और पानी डालो और इसे यूज़ करो तो काफ़ी शानदार यहाँ पे। इसमें दो मॉडल्स हैं, ये बिग मॉडल 1850 का है, इसमें स्मॉल वाले मिलते हैं 1850 का। थैंक यू। जयपुर का गजब सर, राजस्थान जयपुर का गजब सर। ज़्यादा नहीं हो गया? अरे ज़्यादा, हाँ खा लीजिए ना, खा के तो देखिए सर। तो इस समय है हम गुजरात फेमस नमकीन स्टॉल के सामने में, तो यहाँ पे करते हैं दादा से बात। तो दादा पहले अपना नाम बता दीजिए हमें। सर मेरा नाम मुस्तकीम है और हम लोग लास्ट फोर्थ के गुजरात से। तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो क्या है, मतलब? ये सारा हमारा स्पेशल है, देखो ये हमारा फुल्लोड़ी आएगा स्पेशल। खाना नहीं है मैंने? हाँ बहुत अच्छा आएगा ये, और ये हमारा स्ट्रॉबेरी आएगा, कहीं नहीं मिलेगा ये। ठीक, क्या चीज़ है ये? ये स्ट्रॉबेरी है, कौन का बना हुआ है, रोस्टेड आता है हमारा आइटम, सारा रोस्टेड होता है। सही है। देखिए पापड़ भी लाएगा हमारा रोस्टेड, और ये क्या आता सम्यादी बिकता हमारे ये पूरी उसमें, ये तो मैंने खाया है अहमदाबाद। धनिया चूड़ा होता है ये एक हमारे चिक्की आता है गजक, ये दांतों को नहीं चिपकता, कुछ बहुत अच्छा आता है, पूरा रोस्टेड होता है मेरा आइटम। 60-70 वैरायटी होती है हमारी, 4 से 5 महीने कोई भी आइटम रखो हमारा खराब नहीं होता है। नेक्स्ट की बात अगर आ जाए तो चाय लवर के लिए सबसे अच्छी जो स्नैक्स है वो यही है कि उसे लेकर आराम से वो धीरे धीरे खाएं। तो गुजराती स्नैक्स की तो बात ही अलग है, क्योंकि अहमदाबाद में मैं रह के खाकरा पाकर तो हमने वहाँ पे टेस्ट किया है, बहुत डिफरेंट चीज़ें भी टेस्ट की है, लेकिन यहाँ पे जो वैरायटीज़ है दे आर टोटली डिफरेंट। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कस्टमर की भीड़ है। जो मैंने आपको अभी भी दिखाया ये सारे हैंडमेड्स है और काफ़ी शानदार, काफ़ी जो कलर कॉम्बिनेशन है सो ऑसम, तो काफ़ी अच्छा है। तो शॉपिंग करने आते हैं तो ये जो स्टॉल है यहाँ पे, तो इस पर भी विजिट करें। लाइफ फॉर कंज्यूमर स्टॉक जो अंकल ने बताया है यहाँ पे, अच्छा स्टॉल है यहाँ पे। तो इसका आंटी प्राइस बता दीजिए हमें क्या है? ये 600 का, ये भी हैंडमेड ही है पूरा? क्या बात है, सही है, काफ़ी यूनिक और अलग वेराइटी है, डिज़ाइन कलर सबको मिल जाए। तो इसमें आपको मिल जाएंगे और भी अलग अलग कलर और डिज़ाइंस के यहाँ पे। तो उसमें क्या प्राइस में भी डिफरेंस आएगा? थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देते हैं। इसका क्या प्राइस है? 950। तो ये है गाइस 950 का यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और ये है वेलवेट का, ये 750 और ये पड़ जाएगा आपको 750 का यहाँ पे। तो काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कारपेट वगैरह है, वॉल हैंगिंग जो है, ये हो गया वॉल हैंगिंग जो गोल्ड, इसका जो गोल्डन जो वर्क है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे। इसका क्या प्राइस पड़ जाएगा आंटी? तो ये है आपका पड़ जाएगा 1500 का। तो काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बात करके अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। कहते हैं ना जब आप किसी से बात करते हो तो अपना पंचा लगता है, तो वैसे ही हर जगह जाकर ऐसा ही अच्छा लगता है बात करने से। तो थैंक यू आंटी बताने के लिए हमें। आई होप यू गाइज वी लाइक दिस वीडियो। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले इस फेयर के बारे में और वो भी आके यहाँ पे मज़े कर सकें। साथ में ही लाइक कर दे और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, शब्बा खैर, गुड नाइट।